बीजेपी वालों, नरेंद्र मोदी, योगी, ये मुल्क सिर्फ तेरा नहीं है, ये मुल्क मेरा भी है। सुन ले कल के छह वाले, सुन ले, ये मुल्क मेरा भी है, मेरा भी था, मेरा भी रहेगा। बात करे कि चले जाओ, चले जाओ, क्यों जाए? मैं ख्वाजा अजमेरी को छोड़कर जाने तैयार नहीं, मैं अपने ताज को छोड़कर जाने तैयार नहीं, मैं अपने लाल किला को छोड़कर जाने तैयार नहीं, मैं अपने कुतुब मीनार को छोड़कर जाने तैयार नहीं, मैं अपने चार मीनार को छोड़कर जाने तैयार नहीं, मैं दिल्ली की जामा मस्जिद को वीरान कर छोड़कर जाने तैयार नहीं, मैं हैदराबाद की मक्का मस्जिद को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं। यहां पैदा हुआ, यहां रहा, यहीं मरूंगा और मरने के बाद इसी मिट्टी में दफन हो जाऊंगा, इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये मुल्क मेरा है और अगर कभी मेरे हिंदुस्तान, मेरे भारत, मेरे इंडिया पर अगर मुसीबत आएगी तो अल्लाह और उसके रसूल की कसम, सबसे पहले अपने सीनों को इस मुल्क के लिए पेश करने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी होगा और इस मुल्क का मुसलमान होगा। हमको इस मुल्क से मोहब्बत है, हमको इस मुल्क से मोहब्बत है। इस मुल्क ने हमको रोजी दी है, रोटी दी है, घर दिया है, कारोबार दिया है, इज्जत दी है, पहचान दी है। ये मुल्क सिर्फ मेरा नहीं, ये मुल्क सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं, ये मुल्क हम सबका था, हम सबका है, हम सबका रहेगा। खुदारा, खुदारा, सुनो मेरी इस बात को, मुल्क के हालात नाजुक है, हमारी शिनाख्त खतरे में है, हमारी इबादतगाह खतरे में है, हमारी शरीयत खतरे में है, हमारी बस्तियां खतरे में है, हमारी आबादियां खतरे में है, हमारी मां और बहन खतरे में है, हमारी बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है, आज हमारा मुल्क की मईशत खतरे में है, हमारे मुल्क का नौजवान आज बेरोजगार परेशानी में है, आज वक्त है कि हमको उठना पड़ेगा। अल्लाह, अगर तुम समझते हो कि इख्तदार के कुर्सियों पर बैठकर तुम हमको डराएंगे, नहीं, ना डरे थे ना डरेंगे, ना बाप डरा था ना ये बेटा डरेगा, ना भाई डरा था ना ये भाई डरेगा, ना दादा डरे थे ना ये पोतरा डरेगा, ना, अरे हमारा तो छोड़ो, यहां जितने ठहरे हैं ये भी नहीं डरते, अरे इनको छोड़ो, पर्दे में रहने वाली मेरी मां बहन भी नहीं डरती। सुनने सुनने वाले, ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं, इस मुल्क पर मेरा भी उतना हक है जितना हक इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का है। ये मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने के वाले का भी वही हक है जो हक सर पे टोपी पहनने वाला और सर पे सुन्नत पालने वाले का भी उतना ही ये मुल्क है। ये मुल्क गले में सलीब लटकाने वाले का भी है, सर पे पगड़ी बांधने वाले सिख का भी है, ईसाई का भी है। ये मुल्क अल्लाह के मानने वालों का है, भगवान के मानने वालों का भी है, खुदा के मानने वालों का भी है, खुदा को नहीं मानने वालों का भी है। हमको बेदार होना पड़ेगा,
हमारे पास कुछ नहीं लेकिन बहुत बड़ी ताकत है और वो ताकत वोट की है। अगर अल्लाह ने सऊदी अरब में पेट्रोल दिया है तो याद रखो अल्लाह ने तुम्हारे पास उस पेट्रोल से बड़ी ताकत दी है, वोट दिया है। तुम इस वोट के जरिए इस मुल्क के मुकद्दर का फैसला कर सकते हो। जमहूरी हक है, इसको इस्तेमाल करो। खुदारा अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करो। काम हुआ है, 30 करोड़ के काम हुए यहां पे, और होना है। आधी रात को मुझे आवाज दो, आपका एमएलए नहीं भी है ना यहां पे, मैं हूं ना। जब बंजारा हिल से चंद्रायन गुट्टा जा सकता हूं, जब बंजारा हिल से चंद्रायन गुट्टा जा सकता हूं तो बंजारा हिल से क्या मैं शेखपेट नहीं आ सकता? अगर दौड़ते भी आ जाऊं तो 15-20 मिनट में रहूंगा, फिक्र ना करो। और इंशाल्लाह ताला तैयारी करो, कस लो, आस्तीन चढ़ा लो, पैचे उठा लो, ये इलेक्शन छोड़ो। आइंदा इलेक्शन में असेंबली की सीट मजलिस की होगी, हमारा एमएलए होगा, होगा ना, जिताएंगे ना, जिताएंगे ना। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग का बैलेट, पतंग के निशान पे मोहर लगाना, मोड़ना, डाल देना, जबरदस्त फिली हुई है पतंग, है ना। मांझा भी बेहतरीन है, जिसको ढील देना है ढील दो, जिसको खींचना है लिटाओ, दबा के खींचो, खींचेंगे ना, खींचेंगे ना। अब मेरा आखिरी हदिया, हदिया देंगे मेरा, देंगे मेरा हदिया, जोरदार देना। वो योगी भी हिल जाए, वो चाय वाले की चाय की प्याली भी गिर जाए, वो चाय वाले की चाय की केतली भी गिर जाए, चाय वाले का चूल्हा भी गिर जाना चाहिए। ऐसा हदिया, ऐसी आवाज देंगे ना। इस आवाज पे दारोमदार होगा कि ये इलेक्शन और आने वाला इलेक्शन जीतेंगे, देंगे ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। 1 तारीख को सिर्फ पतंग, 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 प